इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अश्विनी कुमार त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डीएस न्यूज चैनल। डीएस न्यूज चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। विधानसभा जैतपुर 269 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गौरव रावत के समर्थन में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही वर्मा, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से जनसंपर्क किया और सभी से अपील भी की। 10 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है। ये थी हमारे न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब मुझे पता चला तो मैं समझ गया कि ऊपर वाला भी चाहता है और मुझे, क्योंकि बाबूजी ने आप सबके क्षेत्र में भेजा था, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, उनको मैं बहुत मानता हूँ क्योंकि वो मुझे जानते नहीं थे लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, मेरे ऊपर मुझे आशीर्वाद दे दिया। तो मैं उनका जब तक रहूंगा तब तक हमारे परिवार के लोग और हमारे जितने भी मानने वाले लोग हैं और आप तो सबको बाबू जी को जानने वाले लोग हैं, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी को मैं बार बार जीवन भर नमन करूंगा और उनके बताए हुए रास्ते पे उनके जितने भी लोग हैं सबके सम्मान। कौन से नाली रोड खलंजा बना हुआ है आज के आपके क्षेत्र में, कौन से स्कूल अस्पताल बना हुआ है, गौर करके बताएं। 5 सालों में कहां पे एक सड़क बनी हुई है मेरे भाई और दोस्तों? ये देश हिंदू मुसलमान करके नहीं चलेगा, ये देश चलेगा भाईचारा स्थापित करके चलेगा। आप लोगों से अपील है, वक्त आया है अपने बच्चों का भविष्य संवार ले, अपना भविष्य संवार संवार ले, देश का मुस्तकबिल संवार। लोगों का दुख दर्द समझा। हेलो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि सरकार आने पे 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी उनका भविष्य होगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, चुनाव के लिए कोरोना नहीं होता है, पढ़ाई के लिए कोरोना, उनकी ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन क्लास जब हम